हेलो गाइज़ वालेकुम कैसे हैं आप सब आज की रेसिपी है कुछ स्पेशल, जो है गन्ने के रस की खीर ये खीर मेरे नाना जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो हर साल बनाते थे तो मैं उनकी ही याद में ये बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं दस लीटर गन्ने का रस ले रही हूँ जिसको हम छान लेते हैं गाइस गन्ने का रस बहुत ही मीठा होता है इसलिए मैं एक जग पानी का भी इसमें मिला रही हूँ और इस खीर को मैं भट्टी पर बना रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए और साथ ही मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे चावल लिए हैं जिनको मैं पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी और तब तक हमारा रस पकता रहेगा रस भी धीरे धीरे पक रहा है और गाइस आप गन्ने का रस जब भी ले तो धुले हुए गन्ने का ही रस निकलवाएं खीर बनाने के लिए इससे जो है खीर का कलर लाइट आएगा ये देखिए पंद्रह से बीस मिनट के बाद इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और उबाल आने पर रस में जितनी भी गंदगी होगी वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी आप देख सकते हैं इसको मैली भी कहते हैं ये सब मैंने अपने गांव में अपने बड़ों से सुना है जैसे जैसे ये ऊपर आएगा हम इसको निकालते जाएंगे ये देखिए ऐसे ही और गाइस इस रस को और ज़्यादा साफ करने के लिए मैं यहाँ पर आधा लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ और दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी मैली को हटाते रहेंगे ऐसे ही हमने दूध डालकर तीन चार बार रस को साफ कर लिया है गाइस सबसे ज़्यादा मेन काम इसमें रस को साफ़ करना ही है जैसे ही ये रस साफ हो जाएगा खीर बननी आसान हो जाएगी और अच्छी खुशबू के लिए मैं यहाँ पर एक से दो बड़ी इलायची डाल रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है रस हमारा अच्छे से साफ हो चुका है अब हम चावल का पानी निकाल कर वो चावल भी इसमें डाल देंगे अब हम इसको आधा घंटा ऐसे ही पकाएंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाए और गाइस इस खीर में डालने के लिए मैं यहाँ पर आधा के जी भुनी हुई मूंगफली ले रही हूँ जिनको मैंने छील कर अच्छे से साफ कर लिया है और साथ ही थोड़ा नारियल भी मैंने यहाँ पर ऐसे काट लिया है बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और गाइस आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी थिक होने लगी है अब जब ये खीर थिक होने लगी है तो हम इसमें मूंगफली और नारियल भी डाल देते हैं आप देखिए अब खीर का कलर पहले से लाइट हो गया है और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है काश मेरे नाना जी होते तो वो मुझे इस खीर को बनाता देख बहुत ही खुश होते ऐसे ही 10 से 15 मिनट हम इसको और पका लेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे अब इस खीर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने पर खीर को हमने सर्व कर लिया है और आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और यकीन मानिए ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी है So, guys, if you enjoyed watching this video, then please, please like, share, and subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz.